बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, एवरीवन वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारी लोगों के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, बाइक टूर हम अपने टोन से आगाज़ कर रहे हैं। तो हमारा टूर है किस मुकाम पे है, तो ये आप हमारे से जुड़े रहेंगे, हम आपको दिखाएंगे हमारा टूर कहाँ पे है और बाइक टूर पे हम किस तरह पूछेंगे अपनी मंजिल पे। हमारे साथ 3 बाइक है और 6 हम लोग हैं। तो हमारी बाइक बिल्कुल ये कड़ी है और ये रहे उस्मान भाई और वो है जी सफियान भट्ट साहब, और मेरे साथ होंगे सलाहुद्दीन भाई और उस्मान भी एक साथ होंगे और ये सफियान भट्ट साहब। तो हमारी बाइक बिल्कुल रेडी है और तमाम जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो पहन लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्यूब ले ली है हमने, हमें कंफर्टेबल रखेगी। करते हैं जी, चलें। आप करेंगे टाइप के, मैं करूँ? चलो आप करेंगे, मैं चलें जी। टाउन से ड्राइविंग के प्राइस जो है वो अंजाम मैं दूंगा, तो लेट्स गो जी। टाइम वेस्ट किए बगैर निकलते हैं हम। तकरीबन 1 घंटा सफर करने के बाद अभी हम खा रही हूँ और लाला मुसा के दरमियान है। सबसे बड़ा पीएस का पेट्रोल पंप यहाँ से टंकी को करवाएंगे फुल, आगे रास्ते में कोई मसला ना बने। 500 का हमने अपने टाउन से डलवाया था और 1308 रुपए का यहाँ से डलवा के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो टंकियाँ फुल हो चुकी है, बेहतरीन है। चलो अभी दोबारा हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद कुछ देर स्टे करने के बाद अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। अगला स्टे हमारा उस जगह पे होगा जहाँ पे हमने खाना खाना है और उसके बाद हम अपनी जो मंजिल है वहाँ जाकर स्टे करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो जी। अल्हम्दुलिल्लाह लाला मूसा स्टे करने के बाद अभी हम बिना स्टे किए हुए हैं। एक बाइक वाला जो हमारे साथ आए थे भाई जी, वो एक पीछे हैं और एक हमारे आगे निकल गए। तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा हम अपनी मंजिल पे खैर व फी से पहुँचे। पीछे रह गए हैं बाइक वाले भाई जान, उनका बिटकिया जायद को साथ देंगे। टाइम तकरीबन 9 के करीब हो रहा है तो अभी हम दीने से निकलने लगे हैं। अभी जी टाइम 10 बजे के करीब हो रहा है तो अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं और खाते हैं। तो उस्मान भाई पूछ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेल हैं, अगर उस्मान भाई को अच्छा लगा तो इंशाल्लाह यहाँ से करेंगे डिनर और फिर निकलेंगे यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑर्डर हो चुका है, अभी कुछ ही देर में हमारे आगे आ जाएगा फिर खाना खाएंगे। तमाम जो दोस्त हैं वो बैठ चुके हैं जी, उस्मान भाई भट्ट साहब, और उससे पहले महंगे जो है करेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी डिनर आ गया, मैं उस्मान भाई और भट्ट साहब एक साथ बैठेंगे आज यहाँ पे। भट्ट साहब और शेख साहब और भाई जान एक साथ बैठ के गाएंगे। डिनर को करते हैं जी स्टार्ट। चलो जी फटाफट। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हमने खा लिया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था और अभी हमारा यहाँ से काफ़ला निकलने लगा है। चले जी लेट्स गो जी। ओके भाई जान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टाइम तकरीबन 2 के करीब हो रहा है और 20 से 22 किलोमीटर सफ़र रह गया हमारा, तो अभी हम बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान खड़े हैं। उस्मान भाई हमें दूध पत्ती पिला रहे हैं। उस्मान भाई कैसा रहा सफ़र? धूड़ो धूड़ो पे हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे खड़े हैं जनाब, फुल नींद आ चुकी है भैया। 20-22 किलोमीटर सफ़र करने के बाद इंशाल्लाह अपने होटल जो ऑलरेडी बुक करवा रखा है सलाहुद्दीन भाई ने, तो वहाँ पर स्टे करेंगे इंशाल्लाह। और अगर मौसम की बात करें तो भाई जान बहुत ठंडा मौसम है माशाल्लाह जी, खूबसूरत पहाड़ों में ये छोटा सा ढाबा है, यहाँ से चाय पियेंगे फिर 22 किलोमीटर जो सफ़र आएगा वो करेंगे इंशाल्लाह। भट्ट साहब अपना माइंड है वो वॉश कर रहे हैं। भट्ट साहब इतनी ठंड दे बेच लारे बने। और कहीं पे बहुत ज़बरदस्त रास्ते और व्यूज थे और कहीं पे बहुत डेंजरस और खौफनाक रास्ते थे, लेकिन कैप्चर कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि रात का अंधेरा था, तो रात के अंधेरे ने जनाब कुछ भी कैप्चर करने नहीं दिया। अगर सुबह आते तो बहुत अच्छे अच्छे सीन कैप्चर होने थे। वेदर वैसे चेक कर लो, काफ़ी डो नहीं होएगा बसर, कल असी सारा दिन फिरांगे, कल असी उतो कोशिश करनी है असर टाइम उतो निकल के असी अगले पासे स्टे करना रात किनारी करने जाके। नहीं सुबह कितने बजे उठ जाइए थे इजीली इसी ना सुबह 7 बजे हां 7 बजे तो उठ के किथे वाला जावांगे? बंजूसा लेक और बंजूसा लेक तो फिर सीधा असी फिर अपनी मंजिल अगले पास चम वाटर की ना है मंजूसा लेक तो ही जाना गंगा चोटी। अच्छा अच्छा गंगा चोटी को 3 घंटे स्टे करके फिर उतो पोले पोले निकलना फिर चिनारी जाके रुकना। कल रात साड़ी स्टे होएगी चिनारी, कल रात दी स्टे करियो चिनारी करांगा मुंडा। ये प्लान है जी
ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਜੁੰਮਾ ਹੈ ਜੀ ਜੁੰਮਾ ਤੇ ਜੁੰਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਫਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:00 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕਰ ਨਾਲੇ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਏ ਚਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਆ ਜੀ ਰਬੀ ਚਾਏ ਪੀਤੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਪਈ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਸ ਬਾਕੀ हाँ मौसम ठंडा ही है हाँ इतने की याद रखी गल अभी जो वापस जाना ना देने असि साढ़े जिल्दा उड़ जानी है ये नहीं रख ली गल जिल्दा सड़ जानी ने साड़िया इतने सर्दी है ना इतों मौसम आई तो असि गर्मी जो बढ़ना साड़िया जिल्दा सड़ जानिया नहीं उतो असि असर टाइम ही निकलना ना शाम असर टाइम ही निकलना भाईजन मौसम काफी ठंडा है जैकेट के बगैर भाईजन मुश्किल है तो ये जो मैंने अपना एक्स्ट्रा शूज रखी थी इसमें जैकेट रखी थी सलाहुद्दीन भाई का सामान है तो मैं अपनी जैकेट निकालता हूँ यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजन अपर पहन लिया सुकून आ गया तो अभी हम निकलते हैं मेरा तो मिल गया जी अभी हमारा ये होटल भी हो गया 2:30 हुए हैं तो अभी हम अपने जो होटल है वहाँ पे पहुँचे हैं फिर लाइट्स बहुत कम आइए जी हमने रूम बुक करवाए थे एक एक रूम में 3-3 बेड लगे हुए हैं एक नीचे रूम मिला एक ऊपर रूम मिला अल्हम्दुलिल्लाह जी जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं वो तो आते हैं देखो फोन तोते को तोते को जा रही है तोते ही चलो ना ओ मेरा मोबाइल चार्जर हमारा हाल देखिएगा क्या हो गया मट्टी गट्टा और जनाब मेकअप बेहतरीन सलाहुद्दीन भाई कैसा रहा सफर मैं कहता हूँ मैं मजा आ गया हम अपने टारगेट के मुताबिक बिल्कुल टाइम पे सही पहुँचे टाइम अभी क्या हुआ भला माशाल्लाह सवा 2 पहुँच गए एंजॉय करते हम पहुँच गए अल्लाह ताला हम अपने शेड्यूल के मुताबिक बिल्कुल ठीक जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी ऊपर वाला कमरा आपको दिखाते हैं होटल की लाइट गई हुई है जिसकी वजह से परेशानी है ये रूम है और एक ये वाला रूम दिया गया इतने 2 डबल एक सिंगल है जी भाट साहब बताइए सफर कैसा रहा मजा आ गया ये लास्ट वाला जो था ना वो बहुत सर्दी थी वो कैसा था शांति हो गई करें रेस्ट उस्मान भाई 3-4 घंटे हैं बस तो बाद फिर तमाम जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो उतारे उस्मान भाई चलते हैं जनाब नीचे बहुत नींद आ चुकी है और सुबह फिर टाइम से उठना है मैं और सलाहुद्दीन भाई और व्हाट्सएप नीचे वाले रूम में होंगे उस्मान भाई और 2 भाई ऊपर वाले रूम में होंगे शनाख्ती कार्ड दे आई डी कार्ड एक मिनट वो मेरे बैग में नहीं एंट्री तो जी नहीं जी रजिस्टर में डाल ली होती है जी कोई मसला नहीं कहे आप ये कर मुझे पता है मतलब शायद उस्मान भाई है उस्मान भाई तो नहीं नहीं वो अलग अलग रूम है ना आपके हाँ ठीक है चलो कोई मसला ये जी होटल के मैनेजमेंट है आईडी कार्ड लेके वो रिकॉर्ड सबमिट करेंगे एक बजे पहुंच जाना सी बीच करके जी स्पीड हुई सी ना उस लोग ही अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान फाइनली हम पहुंच गए हैं रावला कोट ताज महल के नाम से ये गेस्ट हाउस है यहाँ पे हम रात स्टे करेंगे और सुबह सुबह हम निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर करके दिखाएंगे तो हम टाउन से निकले थे तकरीबन 6:30 के करीब और अभी तकरीबन 2:30 के करीब हो रहा टाइम एक घंटा लगाने के रास्ते में जो रेस्ट किया है तो ऑलमोस्ट हम 6.5-7 घंटे में यहाँ पर पहुँचे हैं रास्ते में भाईजन कुछ ऐसे सीन आए हैं कि जो लड़के ने पहली दफ़ा देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त सीन थे लेकिन वो कैप्चर इसलिए नहीं हम कर सके क्योंकि रात का अंधेरा था उम्मीद है कि सुबह अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर करेंगे आप सबके लिए
फाइनली ये जो टूर हमने स्टार्ट किया है, ये पहला एपिसोड यहीं पे करते ख़त्म। आज के व्लॉग को, आज की वीडियो को यहीं पे करते ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते एक अच्छी नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।